आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सोशल मीडिया में अपने एक पोस्ट को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत फिर चर्चाओं में हैं। इस पोस्ट में हरीश रावत ने खुलकर पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा है। खुद को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किए जाने से निराश हरीश रावत ने सोशल मीडिया में कुछ ऐसा लिखा है जिससे उत्तराखंड कांग्रेस में बवाल होना तय है। हरीश रावत ने पार्टी के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड के तमाम मीडिया सर्वे में मुख्यमंत्री की पहली पसंद के तौर पर उनका नाम सबसे आगे है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उनके नाम पर अभी भी पार्टी में असमंजस बना हुआ है। हरीश रावत की इस पोस्ट के बाद जब उनसे इस पर सवाल किया गया तो देखिए हरीश रावत कितनी साफगोई के साथ सवाल को टाल गए। आपके उपयोग की चीज हो तो चलाइए, उपयोग की चीज ना हो तो उसको पेंडिंग रखिए। मैंने बुलाई है इसलिए मेरे लिए और राज्य के लिए जो उपयोग की चीज है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। और दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने 2022 में केवल एक चेहरे की बजाय सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन हरीश रावत और उनके गुट के नेता चाहते हैं कि पार्टी हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़े। ये भी सच है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकांश एजेंसियों और मीडिया हाउस के अब तक के सर्वे में हरीश रावत अव्वल रहे हैं। सर्वे में भले ही बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दी हो, लेकिन सीएम के तौर पर हरीश रावत नंबर एक पर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल भी मीडिया सर्वे पर पैनी नजर रखे हुए हैं। उनका कहना है कि हरीश रावत उत्तराखंडियत की छवि रखने वाले बड़े नेता हैं और पार्टी सही समय पर उनके नाम की घोषणा करेगी। देखिए एक बात तो स्पष्ट है और सर्वविदित है कि हरीश रावत जी सबकी चाहत। मैं समझता हूँ कई युवाओं ने कई एनजीओ ने अभी सर्वे करे, उन्होंने सारा उत्तराखंड हरदा के संग एक ऐसा नारा दिया और सबसे बड़ी बात गाद गदेरे हो, हमारा मंडवा हो, हमारा झंगोरा हो, हमारा कोदा हो, हमारा गलगल हो, हमारा पिंडालू हो, सबके प्रति जो उत्तराखंडियत का उनका अपना प्रेम है, उनका फोकस है, वो दूर नहीं हो रहा है। और जो आदमी उत्तराखंडियत की लड़ाई लड़ते हुए संघर्ष करते हुए दिख रहा है तो जनता तो उसके साथ ही खड़ी होगी। ये उन्होंने कई लोगों ने माना है कि उत्तराखंड की जो चाहत है वो हरीश रावत है और मैं समझता हूँ उचित समय आने पर इस पर फैसला भी उचित तरीके से लिया जाएगा। सियासी जानकारों के माने तो हरीश रावत चाहते हैं कि पार्टी उनके नाम की घोषणा करे, लेकिन कथित प्रीतम गुट नहीं चाहता कि हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। अब जबकि हरीश रावत अपनी पीड़ा को खुलकर बयां कर रहे हैं तो देखना होगा कि उनकी बातों को पार्टी नेतृत्व कब तक नजरअंदाज करता है। कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 2017 में जब कांग्रेस 11 सीटों पर सिमटी और मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत दो जगह से चुनाव हार गए तो ये कांग्रेस के लिए बेहद चौंकाने वाली खबर थी। सामने 2022 का चुनाव अब खड़ा है, इसलिए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। अब हरीश रावत को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित न करना कांग्रेस की रणनीति है या मजबूरी है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बात पर कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड की लीडरशिप में चाहे वो कोई भी दल हो उन नेताओं में हरीश रावत हर नेता से एक कदम आगे दिखाई देते हैं। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेमबर्ट, जय भारत टीवी।